भैया ने ट्रैक्टर पे पीछे घाव बांध के सामने डंपर जा रहा है जिसकी नंबर प्लेट पे कुछ लिखा ही नहीं है और समझ ही नहीं आता चक्कर क्या भाई, ये लोग लिखते ही नहीं कुछ। लोग सभी ट्रकों का ये हाल है, इनका नंबर प्लेट नहीं होता, देख सकते हो नंबर प्लेट ये लोग लुकवा के रखते हैं। देखो बिल्कुल लुकवा के रखा, वो भी लोकल नंबर प्लेट है, वैसा वाला नहीं है, बिल्कुल लोकल नंबर प्लेट है। मैं समझ हो चुकी है गाइज अपनी लोड, अब बद्दी के लिए मैं निकलने वाला हूँ, बिल का कर रहा हूँ वेट। और गाइज मैं जा रहा हूँ आज बद्दी और 4500 रुपए मिला अपने को, मान के चलो कि 2500 रुपया अपना बचत है यहाँ से जाने का, क्योंकि 100 या 110 किलोमीटर का रेंज है। तो मैंने टैक्स कटवा लिया हुआ है, 1700 रुपए का टैक्स है, मतलब 1600 रुपए का टैक्स है, 100 रुपए बंदा एक्स्ट्रा लेते हैं जो काटते हैं। और निकलते हैं यहाँ से फिर, और बने रहिए गाइज वीडियो में, क्योंकि आज आप लोग को बद्दी घुमाने वाला है आपका भाई इस ब्लॉग में, आप लोग बने रहिएगा। और निकलते हैं, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, तो हम लोग 2 बजे निकल रहे हैं, देखते हैं वहां पे कब खाली होगी गाड़ी। चलो बने रहिएगा। फाइनली बिल मिल चुका है, अब मैं निकल चुका हूं, क्योंकि वहां पे बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी पहुंचो, क्योंकि उतनी जल्दी गाड़ी खाली होगी, तो इसलिए आज लगता है मुझे ओवर स्पीड चलना पड़ेगा। सो बने रहो गाइस वीडियो में, देखते हैं फटाफट लेके चलते हैं यहाँ से। यार गलियों में से गाड़ी निकालना ही बहुत मुश्किल बात है यार, मतलब गली के अंदर जो आप चले जाते हो तो कहीं मोटरसाइकिल वाले तंग करते हैं आपको, तो कहीं गाड़ी कोई खड़ी करके चले जाता है, ये सब प्रॉब्लम रहती है। बट फिर भी शुक्र है कि हमारी ब्लैरो है तो हमें टेंशन नहीं रहती, मैप भी कभी कभी गलत बताता है तो हम लोग निकल जाते हैं। देख सकते हैं गाड़ी सब लोग खड़ी करके इधर उधर हो जाते हैं, तो चलते हैं भाई, पहुँचते हैं वहाँ पर। 5 बजे का मुझे टाइम मिला है, 5 बजे से पहले पहुँचना है मुझे। उधर ट्रक खड़ा है, उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है पूरे चौक पे ही, ये शेरपुर चौक है, यहाँ पे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, बताओ कितना खतरनाक है, साइड में खड़ा हुआ ये भाई। लोग ध्यान से चलो यार आज के डेट में ना, देख सकते हो ये अब कोई रुकेगा नहीं, हॉर्न बजा दिया करो भाई, हॉर्न बजाने में कोई वो नहीं बात है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये देख सकते हो हमारे यहाँ पे हीरो साइकिल है, यहीं पर शेरपुर में है, और देख सकते हो हीरो साइकिल के यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए पुल के ऊपर पेंटिंग वगैरह हुई है, कितनी खूबसूरत चीज़ लग रही है ना, देख सकते हैं अमेजिंग है ना, एक लाइक तो बनता है ना हीरो साइकिल के लिए। तो अभी आ चुका हूँ मैं मेन रोड पे, ये सामने मोंटी कार्लो है जो कि स्वेटर और जैकेट टी शर्टों का वो है, क्या कहते हैं, दो लोग भी लुधियाने से हैं। मेरे को एक बात बताओ आप लोग, ये जो हम लोग कुहाड़े से हम लोग नीलो नहर की तरफ आते हैं, ये जो पुल बन रहा है यार कितने सालों से ये बन रहा है, मतलब कि एक काम का है कि ये बन ही नहीं रहा है, यहीं पर रुक गया है, ऐसा क्यों गाइस, क्या आप लोग को पता है इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, आखिर क्यों नहीं बनने दिया लोगों ने, या किसने क्या रोका, किसने रोका है, तो आप लोग प्लीज़ बताओ गाइस, क्योंकि मैंने बहुत दिन से देख रहा हूँ यार कि बाकी सारा कोई स्टार्ट हो गया, एक ये और एक के इसी रोड के आगे, मतलब सीधे सीधे जाएंगे जब समराला आता है, समराला से पहले वहाँ पर भी यही सीन है कि वहाँ पर भी लोगों ने बनने नहीं दिया है, तो ये रीज़न क्या है गाइस, जिसको पता है, जिस भाई को पता है वो कमेंट में जाके कमेंट करके मुझे बताए, तो मुझे भी पता लगे एक्चुअली ये रीज़न क्या है, जो कि यहाँ पर जो हम लोग कुहाड़े से आगे जाते हैं नीलो नहर की तरफ, तो ये पुल क्यों नहीं बना हुआ है, प्लीज़ कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, तो आगे लगा हुआ है जाम। ये देख सकते हो नीलो नहर के साथ साथ अब मैं जा रहा हूँ, और तो यहाँ का जो गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो हम लोग नीलो नहर के साथ साथ जाते हैं ना, और इतनी औसम यहाँ की हवा है, जो सांस हम लोग लेते हैं ना बहुत नेचुरल ही है यहाँ का, यहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है। जो लोग भाई लुधियाने से होंगे, दुराए से होंगे, या जो लोग यहाँ पर आगे से होंगे, उन लोगों को पता है कि रूपनगर के साइड भी बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, और इधर बहुत ही साफ हवा है, बस ये कह सकते हैं नेचर से प्यार करने वाली जगह है पूरी ये। और आप लोग को मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक देख सकते हैं मेरे व्हील कप, तो बताइए गाइस व्हील कप कैसा लग रहा है मेरी गाड़ी में, और इसकी टेपिंग वगैरह कराऊंगा, पर अभी रुक कर थोड़े दिन रुक कर इसकी टेपिंग वगैरह कराएंगे। बाकी देख सकते हो डंपर वाले भाइयों ने पूरा कब्जा करके रखते हैं रोड पे, ये चेक करो इतनी स्पीड में जा रहे हैं। तो अभी मैं 70-65 के स्पीड में चल रहा हूँ, ये भाई लोग हाथ दे रहे हैं, बट मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है, नहीं तो आज है शनिवार, कल है एतवार, तो गाड़ी कल खाली नहीं होगी। मैक्रोटेक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है गाइस, मैक्रोटेक
इंटरनेशनल बद्दी लिखोगे आप लोगों को पता लग जाएगा, बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे सीपीयू बनता है और क्या कहते हैं अपना लैपटॉप वगैरह के जो चार्जिंग में एक बैटरी वगैरह लगती है वो बनता है, और क्या कहते हैं और भी चीज़ें बनती है जैसे कि अपना इन्वर्टर वगैरह सब कुछ बनता है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे बनती हैं, बहुत खतरनाक फैक्ट्री है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी पहुँचे नहीं तो हमको एक दिन ख़राब करना पड़ेगा फिर से। तो ये गेट बन रहा है बहुत ही खतरनाक और यहाँ पर इसी वजह से थोड़ी ट्रैफिक लग गई है और बहुत ही ज़्यादा रास्ते इश्क रह गए यहाँ से आधा किलोमीटर, वो भी बहुत लाजवाब चीज़ है, जगह है सॉरी चीज़ नहीं है जगह है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे औसम है, वहाँ पे जो वहाँ पे हम लोग चले गए ना तो सुकून की सांसें मिलती है, एक चीज़ है। अब देख सकते हो यहाँ पे काम चालू है भाई, काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर लोग ताकि गाड़ियाँ उस साइड ना जा पाए, इसलिए यार आपका भाई इतना ब्लॉग आप लोग को दिखाता है फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये रास्ते इसको, बहुत ही शानदार किला टाइप बना हुआ, किला टाइप, और इसके पीछे वो गुरुद्वारा वो तो और भी मस्त लग रहा है। तो मैं आप लोग को दोस्तों यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करो, ड्राइवर भाई को, ड्राइवर भाई को ड्राइवर नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर कौन करेगा, प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो अपने भाई को। लोग सभी ट्रकों का ये हाल है, इनका नंबर प्लेट नहीं होता, देख सकते हो नंबर प्लेट ये लोग लुकवा के रखते हैं, देखो बिल्कुल लुकवा के रखा, वो भी लोकल नंबर प्लेट है, वैसा वाला नहीं है, बिल्कुल लोकल नंबर प्लेट है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कई लोग रखते हैं कई लोग रखते ही नहीं है, आखिर ऐसा इलीगल काम ट्रक वाले भाई क्यों करते हैं भाई। जो ट्रक वाला भाई मेरी कोई वीडियो देखता है प्लीज़ कमेंट करे ताकि मुझे भी पता लगे कि आखिर क्यों करते हैं आप लोग ऐसे। वो आगे भी जो ट्रक जा रहा है उसका भी वही हाल है, इनका भी यही हाल है, तो मुझे पता नहीं गाइस, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि जो ट्रक वाले भाई हैं वो अपना नंबर क्यों छुपाते हैं। देख सकते हैं आगे वाले ट्रक वाले का भाई का भी वही हाल है, देख सकते हैं नंबर इन लोग का दिख ही नहीं सकता भाई, ये देखो पूरी मैं जूम कर दे रहा हूँ आप लोग को, नंबर बहुत मुश्किल से पता लगेगा। तो गाइस ये रूपनगर आ चुके हैं हम लोग, ये देखो रूपनगर शहर है पूरा, और यहाँ से रह गया अपना 40 किलोमीटर, 40 की 45 ऐसे कुछ रह गया, और चलते हैं बढ़ते हैं आगे। और गाइस मैं आप लोग को एक बात ज़रूरी कहना चाहूँगा कि भाई लोग जो आप लोग गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगा लिया करो, सीट बेल्ट लगाने के यार अपने फ़ायदे हैं, पुलिस भी अपने को तंग नहीं करती, दूसरी बात ये है, और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा हम लोग ब्रेक वगैरह मारते तो हमें भी सेफ्टी महसूस। अब बाकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, कई लोग तो आज तक सीट बेल्ट लगाए नहीं होंगे, कितने भाई अपने वीडियो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। देख सकते हैं यहाँ से मनाली है 266 किलोमीटर, करतारपुर है 26 किलोमीटर। अरे रुक जा भाई, गाड़ी वाले हॉर्न दे रहे थे अभी भी नहीं रुक रहे हो, ये मांग रहे थे भैया पास में का, जाओ भैया आप ही जाओ पहले, अकता ही बहुत है लोगों को यार। यहाँ पर देख सकते हो नीला पानी है बिल्कुल, सॉरी हरा पानी है, और ये भैया का ट्रक खराब हो चुका है सामने देख सकते हैं, इन्होंने साइड में लगा के। एक काम आप लोग भी किया कीजिए कि भाई जो ट्रक वगैरह ख़राब आपका हो जाता है या गाड़ी ख़राब हो जाती है पहले ही घास घूस या आपके पास रिफ्लेक्टर वगैरह है तो आप वो लगा दीजिए, इससे क्या होगा यार आपकी गाड़ी बचे ना बचे पर आपकी जान बचने के चांसेस ज़्यादा है, लोग आपको टच नहीं करते हैं। तो मैंने राइट का इंडिकेटर दे दिया है और राइट में चलते हैं, ट्रक वाले भैया भी जा रहे हैं, फटाफट निकाल लेता हूँ इनके साथ ही। ये देख सकते हो निकल गया अपनी भी गाड़ी, ये देख सकते हो, ये देखिए एक सामने और ट्रक जा रहा है, बद्दी का ही ट्रक है, बद्दी या कहीं का भी है, नंबर तो लिखा नहीं है उसका, बट देख लीजिए कितने ट्रक आज मैंने आप लोग को दिखा दिए कि जो नंबर प्लेट लगाते ही नहीं भाई, इलीगल काम करते हैं, ऐसा आखिर क्यों करते भगवान जाने, आखिर इन लोग का मकसद क्या होता है। वाह सकते हैं पीछे पंजाब का बैरिगेट लगा था और आगे हिमाचल, वेलकम टू हिमाचल लिखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। एक बात और भी बताना चाहता हूँ गाइस, जहाँ पर्ची कटती है ना, पर्ची के जस्ट आगे ही एक बंदा है जो कि 50 रुपये लेता है तब गाड़ी आगे जाने देता है, पुलिस वाला है, सच बता रहा हूँ, ये जितने भी बद्दी वाले भाई होंगे या कोई भी होगा सबको पता होगा। मैं आप लोग को लाइव दिखा दूंगा, एक मिनट रुकिए, शायद जो बंदा होगा तो लाइव दिख जाएगा। यहाँ पे पहले पर्ची कटा ले फिर जाके करते हैं आगे।
यहाँ से मैंने पर्ची कटा ली और आगे देख सकते हैं बैरिगेट लगा हुआ है, और क्या पता पुलिस वगैरह चेंज हो गई हो तो नहीं होगा, पर अफसर आज चेंज है। शुक्र की बात तो ये है गाइज, अफसर चेंज है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं पुलिस बद्दी चेकिंग। ये देख सकते हैं ये अफसर हैं यहाँ पे खड़े, पर आज नहीं लिया, चेंज हो गया लगता है वो। वो बंदा भाई यार मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बंदा इतना खराब है ना कि आप लोग चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसने कहना है 50 रुपये एंट्री तो एंट्री है। और आप लोगों को भी कितने लोगों को पता होगा ना ये बात को, क्योंकि आप लोग भी तो बद्दी आते जाते रहते हो रूपनगर से, या बद्दी वालों को भी पता होगा। चलो ऐसा होता रहता है, कम से कम 50 रुपये लेने के बाद तो हमें छोड़ देते हैं बंदे, ये भी शुक्र की बात है। बट जो गलत नहीं है उससे मत लो, जो गलत है ओवरलोड है उससे पैसा ले लो, वो खुशी खुशी आपको देगा, क्योंकि उसने गलत काम किया तो आपको 50 रुपये देने में उसको हर्ज नहीं है। जो मेरा वीडियो कोई पुलिस वाला भाई देखता है तो आप लोग के लिए सलूट भी है। आप लोग बस वो बंदों के साथ गलत करो जो बंदा गलत है, जो बंदा गलत नहीं है उसको छोड़ दिया करो, इससे क्या होगा आप लोग का रिस्पेक्ट बना रहेगा। बाकी देख सकते हैं सामने AK-47, ये देखिए बिल्कुल पास से दिखाता हूँ आप लोग को, AK-47 गया था ना यहाँ पे, AK-47 वाला भाई, क्योंकि ये पुल जो है जो बना हुआ है वो एक बंदे के लिए ही है। वो देख सकते हो कितना औसम नदी है, पतली सी है छोटी सी, प्यारी लग रही है पूरी। हिमाचल में तो यही खासियत है यार, पता नहीं लगता कहाँ से कहाँ पर झरना नदी आ गया, कुदरत का करिश्मा है। ये देखो हिमाचल प्रदेश पुलिस, भैया ने ट्रैक्टर पे पीछे घाव बांध के आराम से जा रहे हैं बिल्कुल, पर यही है कि अचानक में रेस मत छोड़ देने तो गाँव के जान निकल जाएगी। वाकई यहाँ पे हरियाली चेक कर सकते हो, कितनी मजेदार हरियाली है, वाह। ये देख सकते हैं बाईपास का निर्माण हो रहा है, और जो कि काम यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुका है, जब तक ये काम नहीं फाइनल होता तब तक यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहेगी। कम से कम मैं 15 मिनट से इसी लाइन में चल रहा हूँ, और मुश्किल से मुश्किल 30 या 35 या 25 की स्पीड में। ये देख सकते हैं हाईवे का निर्माण हो चुका है और हाईवे निकल रहा है, पर कई लोग हैं जो कि अपने घर या अपने दुकान तोड़वाने को राजी नहीं, इसलिए अभी टाइम लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अभी पीछे देखा कहीं कहीं रोड ऐसा बन चुका है और कहीं कहीं नहीं बना है। उसका रीज़न यही है कि अभी लोग राजा मंदी नहीं है कि भाई घर बने, मतलब कि रोड बने यहाँ पर, तो इसीलिए सरकार भी कंफ्यूज है यार। सरकार को जगह मिले तो 2 मिनट में बन जाएगा, कोई लंबा चौड़ा जगह नहीं है। बाकी देख सकते हैं बस वाले भाई जा रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है यार। ये रोड जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये बाईपास क्लियर नहीं होगा, तब तक यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही रहेगी, और काफ़ी दिन हो गए रोड बने हुए पर अभी तक बन ही रहा है। देख सकते हैं काम चालू है, वैसे तो बनने को तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, पर अब क्या कर सकते हैं। अब सरकार को जब इजाजत मिलेगी भाई घर तोड़ने का, लोगों को मिलेगा तभी तो करेगा। वालों को कुछ नहीं हो सकता, जहां इन लोग का दिल करता वहां रोक देते हैं यार, समझ ही नहीं आता था। और ये देख सकते हो ये इनके पास भी, भैया के पास मैक्स पिकअप है और काफी अच्छा सजा के रखा इन्होंने। और ये देखिए इधर इस साइड जो हाईवे बन के तैयार हो गया, उस साइड थोड़ा सा फाइनल टच में है, बट ये है कि टाइम तो अभी काफ़ी लगेगा, देखो कितना टाइम लग जाता है। देखिए दोस्तों कि यहाँ पे बद्दी में ना फैक्ट्रियाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, और फैक्ट्रियों के अंदर सफाई भी बहुत होती है गाइस। यहाँ पे देखो तो हर जगह फैक्ट्री 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 फैक्ट्री। ये बद्दी जो हिमाचल का बद्दी और परमाणु है ना, फेमस है इस चीज़ के लिए। देख सकते हैं कितनी सारी फैक्ट्री है पूरे हिमाचल में। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पैसा जो है वो बद्दी में ही है शायद, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपना अपना ओपिनियन देना भाई लोग, क्योंकि मुझसे ज्यादा समझदार लोग मेरे भाई ड्राइवर भाई हैं, वो लोग मुझे बता देंगे। बाकी यार यहाँ बद्दी में ट्रैफिक बहुत है भाई, और एड्रेस का मिस्टेक हो गया, मैं गलत जगह से पहुंच गया। वो बोल रहे हैं कि यहाँ से भाई जा नहीं पाओगे आप, दूसरे रास्ते से जाओ, फिर इधर मैं आया। बिल्कुल 1 किलोमीटर रह गई थी फैक्ट्री, फिर मेरे को 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा। चलो शुक्र है कि भाई ने बता दिया, थैंक यू उस भाई का जिसने बताया। जो मेरी वीडियो कभी फ्यूचर में देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ मैं वही भाई हूँ। सो थैंक यू भाई, चलते हैं फैक्ट्री के लिए। मैं आपके द्वारा देख के जा रहा हूँ ना मैं। दोस्तों देख सकते हो कितनी खूबसूरत खूबसूरत फैक्ट्री है, खूबसूरत वो भी खूबसूरत, इतनी औसम औसम। क्योंकि हमारे यहाँ लुधियाना के अंदर तो भाई फैक्ट्रियाँ तो खूबसूरत हैं,
बट जो इंडस्ट्रीज एरिया है ना वो गंदा है यार, मिट्टी धूल पानी ऐसा सीन है। तो एक लाइक तो बनता है बद्दी के लिए, कर दो। गाइस पहुंच गया, यही फैक्ट्री है वो, देख सकते हो कितनी सफाई है, और देख सकते हैं ये फैक्ट्री की गली है। इतना तो हमारे यहाँ इलाकों की गली नहीं अच्छी होती होगी जितनी यहाँ फैक्ट्री की गली साफ है, देख सकते हो यहाँ पर। और इसको अंदर करते, देख सकते हो कितनी बड़ी है। इन लोगों को दिखे ना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो फिर फ़ोन से डिलीट करवा देंगे। बस पूछने कहता है कि आप वीडियो बना रहे थे, शुक्र है मैंने बंद कर दिया था भाई, अलाउड नहीं है अंदर, मैं खाली करके फिर आप लोग को मिलता हूँ। तो गाड़ी लग रही है यहाँ पे अपनी बैक करके, यहाँ पे लग चुकी है गाड़ी, देख सकते हो। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, गाड़ी के अंदर हूँ तभी बना रहा हूँ। तो गाड़ी खाली होती फिर चलते हैं यहाँ से, यहाँ से फैक्ट्री है, यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ जाम बहुत है गाइज, देख सकते हो कितने यहाँ पे लड़की लड़कियाँ सभी काम करते हैं यार। यहाँ बद्दी की भी मार्केट बड़ी खूबसूरत है, देख सकते हो यहाँ पे, मतलब इन्होंने पूरा हर जगह लड़ी वगैरह लगाई हुई है, और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मार्केट है यार। मैं ये मार्केट तो देखा ही नहीं कभी, एक कपड़े की मार्केट ही है। और आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, हर जगह लड़ी लाइटें वगैरह लगी हैं, पता नहीं कोई रीज़न है क्या है, भगवान जाने पता नहीं क्या चक्कर है, लगता कोई फेस्टिवल वगैरह होगा। जो भाई बद्दी का होगा वो बता दे मुझे आखिर ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पर सब। और निकलते हैं यहाँ बद्दी से, यार ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर। भाई लोग मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आता है ना तो आप अपने भाई से जुड़ जाओ यार, इंस्टाग्राम का आईडी नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और ट्रांसपोर्टर का भी नंबर रहता है। और जैसे कि आप बाय चांस आप जो हिमाचल के हो तो मान के चलो, जो आपको पंजाब में जाना है तो पंजाब का टैक्स कटवा सकते हो, फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा उससे भी। और चाहे हरियाणा में जाओ आप, फ़ोन पे ही बात हो जाएगा, वही पैसे लेगा जो पैसे वहाँ पे लेते हैं, जो आप जहाँ आप टैक्स कटाने जाओगे एक्स्ट्रा जितने लेते हैं उतने ही लेंगे। सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करो, भाई को फॉलो करो, और जो आपने यूट्यूब पे अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है गाइज। गाइज मैं बद्दी से अब निकल आया हूँ, और मिलते हैं किसी और वीडियो में अब किसी नए टॉपिक के साथ। और जो भाई लोग मेरी वीडियो जो आप लोग को मेरी ब्लॉग वगैरह जो अच्छे लगते हैं, पिकअप के रिलेटेड जो वीडियो है, जो मैं बातें बताता हूँ आप लोग को पसंद आती है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, और जो कर लिया है तो थैंक यू। और गाइज मुझे Instagram पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि जितने भी आप सवाल पूछते हो कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्या एवरेज आता है, बहुत से सारे क्वेश्चन है, तो ये सब के जवाब मैं आप लोग को Instagram में दे दूंगा। आप लोग मुझे Instagram पे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आप लोग को बात भी बता दूंगा, आप मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। नो डाउट मैं कितने लोगों को नंबर दे चुका हूँ गाइज, मेरे तो कोई एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर, आप जैसे बोलोगे वैसा मैं करूंगा, क्योंकि यार अपने जो भाई हैं जिनके वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, उनके मेरे वजह से जो उनका हेल्प होता है तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। तो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, लव यू गाइज, बाय बाय।